नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। उद्घाटन से पूर्व ही कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में नव निर्मित 100 बेड का पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट कई धमाके होने से क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि कल हमारे चैनल ने प्रमुखता से इस 100 बेड के अस्पताल के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि एक महीने हो गए लेकिन सेवा देने के लिए अस्पताल उद्घाटन की आस में है। और इस खबर के 24 घंटे भी नहीं बीते कि देर शाम एक के बाद एक कई धमाके होने से अति आधुनिक पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट का अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया है। धमाका ऐसा कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। मजदूर जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। वहां पास में ही मौजूद सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अचानक धमाके की आवाज आने लगी। जब वहां पहुंचा तो देखा कि आसपास की जमीन वाइब्रेशन के साथ में अस्पताल भी हिल रहा है और उसकी मौजूदगी में ही एक दो बार और तेज से बम फूटने जैसी आवाज आने लगी। काफी देर बाद वाइब्रेशन होना बंद हुआ तो पता चला कि अस्पताल के अंदर से ही इस तरह की आवाज आ रही थी और अंदर में बने सीलिंग स्ट्रक्चर फर्श पर आ गिरे थे। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहे कि इस अस्पताल का सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में ही उद्घाटन होना था लेकिन किसी कारणवश उद्घाटन नहीं हो पाया। अगर हो जाता और वहां मरीज रहते तो आज की इस घटना में कई लोग हताहत हो जाते। सवाल यह भी उठता है कि इस अस्पताल के निर्माण में सरकारी तंत्र तो थे ही, जिसको और टाटा स्टील जैसी संस्थाएं क्वालिटी प्रदान करने में मशहूर है वो भी इसमें शामिल है, तो आखिर ऐसी क्या तकनीकी खामियां थी जो इस तरह का विस्फोट जैसा मामला सामने आया है। अब यह जांच का विषय है कि क्या कारण था और किस वजह से इतनी ऊंची आवाज में धमाके जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। बस अचानक एक आवाज आया, हेवी आवाज आया, तो हम लोगों ने देखा क्या आवाज़ है। अभी पीछे घूम आके देखे तो यहाँ वाइब्रेशन का साथ एक आवाज़ आई हुई है। क्या चीज़ का था ये आवाज़? पता नहीं सर, हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या है वाला, क्या जगह है वाला? ये जो है आइसोलेशन, ये जो थर्ड वेव आने वाले हैं बच्चों के लिए, उसके लिए ये बनाया जा रहा था आइसोलेशन। बहुत तो बन के कम्प्लीट था क्या ये? इसको हैंड ओवर करने वाले थे जिसे हमने सुना इसको। अच्छा, लेकिन कुछ कारण से इसको रोका गया था तो आज अचानक देखा गया कि इस तरह से ब्लास्ट हुआ। तो कितना जोर जोर से ब्लास्ट हुआ? कितने? बहुत जोर। हमने तो सोचा कि कहीं अगल बगल में बम वगैरह फूट रहा होगा। अच्छा, कितने देर तक हुआ ये? शुरू का तीन धमाका तो बहुत जोर हुआ। अच्छा। यहाँ लोग ये काम कर रहे थे, मजदूर लोग, वो लोग भी डर से भाग गए। कितने बजे की घटना है ये? ये 6:30 बजे का आस पास। अभी इसमें पेशेंट नहीं रहते थे ना? नहीं, अभी इसका हैंड ओवर नहीं किया गया। अच्छा, ये अंदर कुछ क्षति की भी संभावना है, कुछ देखा जा रहा है, कुछ टूटा फूटा भी है? हाँ, क्षति तो हुई है। वहाँ जो एंगल था बीच में वो टूट के गिरा। अगर लोग यहाँ रहते तो शायद बहुत बड़ा घटना घटता। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।